नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। कनाडा में भारतीयों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कनाडा के ओटावा शहर में भारतीय समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 18 अगस्त को संसद भवन से सिटी हॉल तक परेड का आयोजन किया। इस परेड में 250 से ज्यादा भारतीय शामिल हुए। नेपाल में महिला को डायन बताकर जबरन महिला खिलाया। नेपाल में ग्रीविनों की ओर से एक 35 वर्षीय महिला को डायन बताकर कथित तौर पर पीटने और मानव मल खिलाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने की काबुल बम विस्फोट की निंदा, बताया कायराना हरकत। पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक निगाहगाह पर बम से हमले की निंदा की है। इस हमले में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 180 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।